हेलो दोस्त, आरआरसी ग्रुप डी बिलासपुर में अपडेट आ चुका है मेरिट वाइज पैनल का। कितना सीट बचा है, कितना रास्ता अब दूर बच रहा है, कट ऑफ कितना क्लियर होगा, सबका डिटेल थोड़े थोड़े में बात करेंगे। हालांकि बिलासपुर एक ऐसा आरआरसी है जहां पे ईडब्ल्यूएस के लिए न उम्मीद है, न संभावना है, न कोई कैंडिडेट अवेलेबल है, सब लोग को जॉब मिल चुका है और पोस्ट भी खाली है, 50 सीट के आसपास बर्बाद हो रहा है। तो 253 में से 50 ये घटा लीजिएगा तो अब 200 के आसपास के बात होगा, क्योंकि 50 सीट का तो कोई पीटी क्वालिफाई कैंडिडेट ही नहीं है। और साथ में और भी कोई कंडीशन है उसकी भी बारे में बात करेंगे कि पीडब्ल्यूडी वगैरह का क्या होगा। तो वेबसाइट पे चलिएगा तो सब लोग जानते हैं, वेबसाइट देख लेंगे सबको समझ में आ जाता है कि यहाँ वेबसाइट पे आ गया है ऑफिशियल चीज़। तो एक कोरिजेंडम है जिसमें एक कैंडिडेट को पहले 89 में हटाया था, फिर से इसको जोड़ दिया है बाई मिस्टेक, 52 से CCA के कैंडिडेट है। बाकी नोटिस फॉर ये कैंडिडेट 18/4 का है। कैंडिडेट पोस्ट वाइज अलॉटमेंट भी हो गया है और ओवरऑल मेरिट और रैंक भी आ गया है। इसके हिसाब से हम क्या करेंगे, इस वाले PDF को देखेंगे। ये PDF है, हालांकि नोटिस फॉर RTI है। कोई RTI लगाया होगा पहले ही कि मुझे बताइए कि मेरा रैंक और मेरा सिलेक्शन क्या हुआ। तो इसमें टोटल 25 पेजों में दे दिया है। पहले नंबर पे सीरियल नंबर, दूसरे में ओवरऑल रैंक कैंडिडेट का। तो पहला रैंक वाला कैंडिडेट ही मेडिकल या DB में किसी कारण से नहीं हो रहा है, और पहला रैंक जो हाईएस्ट नंबर है कैंडिडेट का वो 385 नंबर वाले हैं। और यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं कि ज़्यादा नंबर वाला को, जो बहुत ज़्यादा नंबर 85 नंबर ला लिया कैंडिडेट, उसको क्या C1 मेडिकल वाला पोस्ट मिलेगा या कुछ मिलेगा, ये देख लीजिए। पोस्ट प्रायोरिटी से 9वें नंबर मिला है जाके कैटेगरी, यानी उन्होंने पोस्ट प्रायोरिटी भरा था। पहला वाला कैंडिडेट वर्कशॉप में भरा था तो वर्कशॉप मिल गया, C1 मेडिकल वाला मिल गया। मेडिकल स्टैंडर्ड चाहे कैंडिडेट की जो फिट हो वो अलग बात है, फिट वाला ही पोस्ट मिलेगा, लेकिन उसके साथ साथ पोस्ट प्रायोरिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है और नंबर भी कैंडिडेट का इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कैंडिडेट को जो पोस्ट अलॉटेड है वो ये है, और ये कैंडिडेट का कम्युनिटी है, इधर रोल नंबर है, इधर नेम है, और ये सारी चीज़ों को हम मिलाने के बाद अब इससे डिस्कस करेंगे। एक नंबर में तो बहुत सारे कैंडिडेट हैं, यहाँ से एक डाटा एक मिलेगा। जैसे 79 नंबर पर एक बार देखिए, यहाँ पर 79 नंबर में UR में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कैंडिडेट इधर से, और इधर से देखिएगा तो पूरे पेज 79 में ही ख़त्म हो रहा है यहाँ तक। यानी 79 में देखेंगे यहाँ से 92 से लेके अगर घटाएं यहाँ पे, तो एक नंबर में कितने कैंडिडेट UR में हैं, तो यहाँ पे आपको दिखेगा 47, यानी 92 - 47 अगर कीजिए तो अच्छे खासे संख्या मिल जाएंगे आपको दिखते हुए। करीब करीब 45-46 कैंडिडेट एक नंबर पे हैं, लेकिन जैसे जैसे नीचे आएंगे कैंडिडेट और बढ़ते जाएंगे। जैसे 96 पे 46 पे 74 पे 74 पे देखिए बहुत सारे कैंडिडेट हैं, 73 पे भी बहुत सारे कैंडिडेट हैं। ऊपर की तरफ डेंसिटी कम, नीचे की तरफ कम, और जब कटअप घटेगी तो नीचे की तरफ ही बढ़ेगी। तो ये ध्यान रखिएगा, नीचे की तरफ करीब करीब 40 से 50 एक नंबर में एवरेज मान के आप चल सकते हैं, 30 से लेके 50 कैंडिडेट तक हो सकते हैं। अब इसमें देखेंगे, अभी सारे देखने से हमें कोई पता नहीं चलेगा कि क्या सारांश इस वीडियो का निकलेगा, इसलिए मुझे ज़रूरी पड़ेगा PDF का। और ये PDF आपको www.railwaylifelp.com पे आपको ई-बुक और PDF में मिल जाएगा। तो अब क्या करते हैं, 18 तारीख को जो मेरिट लिस्ट आई है उसको हम थोड़ा सा समरी में कर लेते हैं। तो समरी में आपको सबसे पहले समझाना है मुझे कि जो UR की मेरिट है वो 685 लोगों की है टोटल, UR में जो क्वालिफाई हैं, और UR के सीट इससे ज़्यादा है, लेकिन अभी समझेंगे। 685 में 140 लोग UR से हैं, 26 कैंडिडेट आपके SC से हैं, 9 कैंडिडेट ST से हैं, 490 कैंडिडेट OBC से हैं UR मेरिट में, और 20 कैंडिडेट EWS से हैं। और 20 कैंडिडेट EWS से हैं, तो EWS अपने मेरिट में जो हैं ये 115 ही हैं, और 115 और 20 135 कैंडिडेटों का पैनल आ गया है। 146-147 लोग ही PT क्वालिफाई थे जो DB में जा चुके हैं, उनमें से कुछ कैंडिडेट का टेक्निकल इशू होगा, जिसके कारण से आपने कैंडिडेचर कैंसिल भी देखा, वहाँ भी कुछ कैंडिडेट हैं। जैसे यहाँ पे आपका 89 कैंडिडेट का कैंडिडेचर कैंसिल है, उसमें
ईडब्ल्यूएस के यहाँ पे देखिए तीन कैंडिडेट हैं, तो तीन कैंडिडेट तो ये मिल गए, 35 3 38 हो गए, और 2 4 5 का भी मेडिकल स्टेटस वगैरह होगा। कुल मिला के अगर समरी में बात करना चाहेंगे तो जो कैंडिडेट हैं वो आपको दिखेगा कि 94 पोस्ट खाली है यूआर का, जिसके लिए एक नंबर तो कम बनता है दोस्त, एक से प्लस में ही हो सकता है, क्योंकि इसमें से पीडब्ल्यूडी भी वगैरह भी हटेगा और एक नंबर के आसपास। उसके बाद आपका एससी में 17 कैंडिडेट, एसटी में 17 कैंडिडेट, ओबीसी में 56 और ईडब्ल्यूएस में 52। इस 52 सीट का कोई अभी दावेदार शायद नहीं है, जब तक दोबारा पीटी नहीं होता है। अगर सेकंड पीटी होगा तो कोई ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट आ सकते हैं, वर्तमान पीटी में अब कोई कैंडिडेट दावेदार नहीं है। ओवरऑल 236 सीटें खाली है, CCA एक सर्विसमैन, PWD और टोटल करने के बाद मैं वैकेंसी में से घटा दिया, उसको समझिएगा यहाँ से। UR का 797 वैकेंसी थी, 703 लोगों ने आ गए हैं पैनल में, तो 94 और खाली है। उसी तरह 202 कैंडिडेट आपके ये आपके SC के हैं, और ये ध्यान रखिएगा UR मेरिट को हटा के मैं कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा UR में मैं कंसिडर कर रहा हूँ 685 कैंडिडेट, 685 में हर कम्युनिटी के अलग अलग कैंडिडेट हैं, तो ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद 219 SC का था और 115 ST का सीट था, तो दोनों में 17-17 बचे हुए हैं, 98 कैंडिडेट इधर और इधर। OBC में 310 लोगों को लिया है, 56 सीट खाली है। OBC की टोटल सीटों 366 थी, हालांकि OBC जितने इधर हैं उससे ज़्यादा UR में क्वालिफाई हैं 490, क्योंकि CCA वाले कैंडिडेट इधर बहुत अच्छा खासा आ गए थे। और फाइनली EWS में 167 वैकेंसी थी, 148 PT क्वालिफाई थे। मैं बता दूं PT क्वालिफाई कितने थे एक बार देख के यहाँ से। हाँ, कम्युनिटी वाइज नॉर्मल कैंडिडेट इन DB 144 कैंडिडेट ही DB में गए थे, और उसी समय ये 22 सीट खाली था, और 22 के बाद 20 सीटें आपको दिख गई कि UR में क्वालिफाई हैं, तो 20 और 22 कितने हो गए, टोटल हो गए 42, और जो हम कह रहे हैं कि 40-50 सीटें आसपास है वो बेअर्थ में गया, क्योंकि तीन कैंडिडेट CCA का कैंडिडेचर कैंसिल हुआ और वगैरह, क्योंकि कोई PT क्वालिफाई यहाँ नहीं है। यानी कुल मिला के कहें बिलासपुर की आपका डाटा है आपके सामने है, जो कैंडिडेट अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहता है ले सकता है, यहाँ पे आपका डाटा आपके अब आपके लिए अवेलेबल है रेलवे लाइफ। तो यहाँ पे अब कुछ लोगों का सवाल यही रहेगा कि सेकंड DB कब होगा, रास्ता साफ तो हो गया है। तो देखिए दो चीज़ें में तो कट ऑफ एक नंबर तक कम होता हुआ दिख रहा है, एक तो UR में और एक OBC में। SC ST में कैंडिडेट का डेंसिटी आप देखेंगे तो इनका भी कम है, तो यहाँ भी 0.5 नंबर तक कम हो सकता है दोनों कम्युनिटी में, और ये अभी अनुमान है, एक्चुअल आएगा तो कुछ ना कुछ अच्छा न्यूज आएगा, और एक्चुअल कितना कैंडिडेट बीच में पड़े हुए हैं वो भी डिफरेंस पड़ेगा, फिर हम डिस्कस करेंगे कि इतना कम हुआ। लेकिन ध्यान दीजिएगा 200 सीट अच्छा खासा सीट है 1600 में, और 1600 के अगेंस्ट अगर वैकेंसी के अगेंस्ट देखेंगे 1500 कुछ वैकेंसी थी, टोटल एग्जैक्ट 1500 वैकेंसी के टर्म में अगर देखेंगे तो PDF देखना पड़ेगा, लेकिन अगर लमसम हम बात करेंगे तो यहाँ पे 1664 वैकेंसी थी, 1664 में CCA PWD का अलग अलग था, उसके हिसाब से अगर देखेंगे तो 200 सीट अच्छी खासी है और एक अच्छी उम्मीद है लोगों को। थैंक यू, धन्यवाद।